देखो, हमेशा जागृत रहो। हमेशा जागृत रहने के लिए जागृति न्यूज को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल वाला आइकॉन क्लिक करना ना। दिल्ली में भारतीय संविधान जलाया जाता है और सनातन के समर्थन में लोग रस्ते पर आ जाते हैं, तो इस दो घटना को कैसे देखो? देखिए कि ये एक तरह से दहशतगर्दी का माहौल बन रहा है, इसी को हम आतंकवाद कहते हैं कि जब जिन लोगों के खिलाफ सीधे सीधे स्वयं ATS जांच करके और ये पा रही है कि उनके पास बमों की फैक्ट्री है और उनका पुराना नया अभी तक का रिकॉर्ड ये सारा इस तरह के आतंकवाद का है, उनके समर्थन में यदि कोई लोग निकल रहे हैं तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। इस तरह की चीजों को हमें किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं देना है, तो किसी तरह की हिंसा का सहारा ले रहे हैं। आज गौरी लंकेश की हत्या के सुराग पकड़ करके धीरे धीरे जावलकर जी की हत्या तक पहुंच गई बात है। एक साल पहले उनकी हुई थी गौरी लंकेश की, 5 साल पहले जावलकर की हुई। दाभोलकर की बुद्धि नहीं सुलझ रही थी, लेकिन वहां से सुलझते सुलझते यहाँ पहुंची है और वही एक ही सूत्र के लोग उसके अंदर पाए जा रहे हैं। वो कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में, इस तरह का जाल है उनका। तो उनको अपने आप को न्याय के हवाले करना चाहिए और बड़ी शांति के साथ उसमें जो भी उनको कहना है अपनी बहस करनी चाहिए, लेकिन यदि सड़कों पर उतर करके उसको औचित्य उसका ठहराएंगे तो इससे माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं बनेगा, उनके हक में भी नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि न्याय की प्रक्रिया हमें इतनी मजबूत रखनी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आगे बढ़ करके किया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको घर के अंदर रखो और उनको पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी की हिम्मत ले जाओ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको भी डांट के कहा कि ये पुलिस का काम नहीं, इस तरह का कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा बढ़ रहा है और हमें हर दिन भारतीय संविधान का अपमान होते जा रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, किसी की पुस्तक को कोई जलाता है तो कायरता का परिचय दे रहा है, उसको संविधान के खिलाफ यदि कोई है विचार तो आए, दूसरा संविधान लिख करके या कोई बहस करे, यदि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, कुछ भी क्षमता है, उसका परिचय दे। एक किताब को पकड़ करके आवे माचिस लगा दो, इससे ज्यादा कायरतापूर्ण बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और कोई भी कर ले, छिप करके कर ले, अचानक कर दे, किसी किताब को जला दे, किसी के धर्म ग्रंथ को जला दे, किसी हमारे संविधान धर्मशास्त्र को जला दे, हमें उसको बिल्कुल तुच्छ समझ करके उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको इतना महिमा मंडित भी नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं पब्लिसिटी मिल जाए हमको, इन तरह की चीजों से हमें पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसे तत्वों को पहचान करके कि जो चाहे नहीं भी जला रहे हैं लेकिन वो संविधान को धीरे धीरे चूहे की तरह कुतर कुतर करके खत्म कर रहे हैं रोजमर्रे के शासन प्रशासन और सारी चीजें नीतियों में, वो बहुत बड़े खतरनाक लोग हैं जो हमको बांट रहे हैं जातियों में, जो बांट रहे हैं संप्रदायों में, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो लोग कर रहे हैं, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो करना चाहते हैं, वो संविधान के असली बड़े दुश्मन है। चाहे वो उसकी कसम खा करके और संविधान जिंदाबाद में बोल रहे हैं।